बीजेपी आगू सोनाली फोगाट की रहस्यमय मौत के बाद सोनाली फोगाट दैण रेमन फोगाट और रुपेश फोगाट ने हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं। सोनाली के परिवारक मैंबरों मुताबिक मंगलवार सवेरे सोनाली के पीए सुधीर सागवान ने फोन करके सोनाली की मौत की खबर उन्होंने भरा को दी सी। इस दे बाद सुधीर ने उन्होंने फोन नहीं चुकया। परिवारक मैंबर ने एक नहीं कई बार सुधीर को फोन किए। खुलासा किया गया कि सोनाली की भैन होर परिवारक मैंबर ने करीब 50 तो वध वार सुधीर के नंबर से फोन किए पर सुधीर ने फोन नहीं चुकया। इस पूरे मामले में सोनाली फोगाट के परिवारक मैंबर का की कुछ कहना है जरूर सुनो। मेरे पास कल शाम को फोन आया था उनका, परसों शाम को फोन आया था। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उसका जैसे सिंपल कॉल आई थी तो बोली कि मेरे को ना व्हाट्सएप पे बात करनी है तेरे से, बता दो। तो जब मैं ना व्हाट्सएप पे 3-4 बार जैसे कट कट के उसने बात की, कभी 10-15 मिनट ऐसे बात हुई, तो बोली कि बहुत वैसे लग रही थी, घबराई हुई थी वो जब मेरी बात हुई, जब बोली मेरे को ना टेंशन हो रही है। तो मैं, किस बात की टेंशन हो रही है तेरे को? बोली जैसे मेरे खिलाफ है ना कोई साजिश रच रहा है, मैं ना बहुत डरी हुई हूँ, यूँ इस टाइप की बात करने लग रही। तो फिर मैं बोली बता, बोली आऊँगी ना जब बताऊँगी तेरे को भी मेरे साथ कुछ है ना यहाँ गलत हो रहा है, ये इस टाइप की बात करने लग रही। फिर किसी का नाम लिया? उसने नाम नहीं लिया किसी का। तो जैसे मैं ना बात कर रही उस टाइम किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जेंट्स बोल रहा है, लेकिन वो सुधीर सांगवान था, उसकी आवाज़ मैं अच्छे से पहचानती हूँ। सुधीर सांगवान जब अंदर आया ना रूम के, तो वो बोली कि मैं कल तेरे से बात करूँगी। उसके बाद फिर उसने नॉर्मल जैसे बात शुरू की और फिर बोली मैं कल सुबह बात करती हूँ तेरे से, या फिर इशारा आने के बाद तेरे से बात करूँगी। जैसे अभी बताया जा रहा है कि सुधीर को कस्टडी में लिया, ये जानकारी नहीं, कस्टडी में लिया गया नहीं, उसके खिलाफ है ना कोई कार्रवाई नहीं हो रही सुधीर के खिलाफ। जब हम कह रहे हैं अभी मेरी दीदी को वही लेके गया था वहाँ, साथ में वही था उसके साथ, और घर का कोई बंदा नहीं था, तो उस ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वो आज इस हालात में है? वो आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग CBI जांच होनी चाहिए उसके खिलाफ, और वो पुलिस है ना, उस प्रशासन कोई साथ नहीं दे रहा, गोवा पुलिस है ना कोई हमारा साथ नहीं दे रही। वहाँ सारे गए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही उसके सुधीर के खिलाफ। जब हम लोग कह रहे हैं अभी हमें सुधीर पे शक है, तो लेकिन क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? जब हम कह रहे हैं अभी उसके उस पे हमें शक है। देश दुनिया की तमाम खबरों